नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। झांसी में एसडीएम ज्योति मौर्य से रिश्तों पर होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। मनीष दुबे एक विभागीय बैठक में हिस्सा लेने झांसी पहुंचे थे। एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण में विवादों में चल रहे होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट मनीष दुबे मीटिंग के बाद जब मीडिया ने इस प्रकरण उनके खिलाफ चल रहे जांच के बारे में सवाल पूछा तो वो कैमरों से बचते नजर आए। मनीष दुबे ने उनके खिलाफ जांच चल रहे जांच से जुड़े सवालों पर पत्रकारों से कहा कि उनके साथ कोई जबरदस्ती ना करे। वही होमगार्ड के बुंदेलखंड परिक्षेत्र के डीआईजी ने इस पूरे मामले में मनीष के खिलाफ चल रही जांच के बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार करते हुए कहा कि मनीष अच्छे अधिकारी हैं। जो प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं और औपचारिक रूप से मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। कानपुर में अमृत महोत्सव फेज टू के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन और लाभार्थियों को चाबी सौंपे बिना ही कई भाजपा विधायक जो हैं वो कार्यक्रम में पहुंचे और चले गए। दरअसल कार्यक्रम में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव जुड़ना था लेकिन किन्हीं कारणों से कार्यक्रम करीब 4 घंटे देरी से शुरू हुआ। कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र मिथानी समय से 3 बजे पहुंचे लेकिन कार्यक्रम लेट होने की वजह से वापस चले गए। कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार आधा घंटा रुकने के बाद वापस चले गई। इसके बाद बिछुर विधायक अभिजीत सिंह सागा पहुंचे और आधा घंटे में संबोधन कर लाभार्थियों को चाबी दिए बिना ही वापस लौट गए। कार्यक्रम में लगातार हो रही देरी के चलते लाभार्थियों को करीब 6 बजे पीएम आवास की चाबी देने का कार्यक्रम शुरू किया गया। कानपुर मेयर प्रमिला सभागार में पीएम आवास ग्रामीण के 20, पीएम आवास शहर के 5, पीएम स्वनिधि योजना के 6, डिजिटल लेन के 6, आयुष्मान गोल्डन कार्ड के 10 लाभार्थी को घाटमपुर विधायक सरोज कुरीली और किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी, एमएलसी अरुण पाठक ने लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज हमने 3400 लाभार्थी चाबी दी है। इसके साथ साथ हमारे जनपद के 4.5 लाख आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना के लाभार्थियों को पीवीसी कार्ड वितरण कार्यक्रम शुरू किया हमने। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा पीएम स्वनिधि के तहत आज हमने 8000 स्ट्रीट वेंडर्स को 13.86 करोड़ का वितरण हमने किया है लोन का। की पूर्ति के उपलक्ष्य में आज काशी में माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से 34 लाख आवास आवंटित करने का काम किया गया है। पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में, हर गांव में अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। उसका एक मुख्य कार्यक्रम हमारे काशी में हो रहा है जो अभी कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। उसी कार्यक्रम में हम अपने कानपुर में जो ये कार्यक्रम या आयोजन हुआ है उसी में शामिल होने आए हैं। लगभग 3300 लाभार्थियों को आज चाबी पूरे जिले में दी गई है। यहाँ जैसा मुझे जानकारी है लगभग 300 लाभार्थी आए हुए। झांसी में एक युवती जिसका नाम प्रिंसी यादव बताया जा रहा है वो बीए फाइनल ईयर की छात्रा है। घर पर वो और उसकी माँ अकेली थी। माँ दोपहर के समय सो रही थी तभी अचानक अंदर के कमरे में युवती उठकर गई और अंदर बने कच्चे मकान में अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। घटना के संबंध में मृतक युवती के पिता अखिलेश ने जानकारी देते बताया कि घर से बाहर गया हुआ था। घर पर माँ बेटी अकेली थी। दोपहर के समय दोनों सो रही थी तभी युवती जागी और अचानक दोपहर के समय अंदर के कमरे में जाकर उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला क्षेत्र का है। कोई जानकारी नहीं, घर में कोई था नहीं, हम भी घर में नहीं थे। माँ थी तो सो रही थी, एक दूसरे के साथ सो रही थी। अब पता भी किसी को नहीं चला क्या है, हम कोई जानकारी नहीं है। घर में कोई और नहीं था। कपड़ा था कोई, दुपट्टा वगैरह। साजापुर में रेस्टोरेंट की आड़ में गोरख धंधा चल रहा था। नाश्ते के नाम पर अश्लीलता हो रही थी। पुलिस के पहुंचने पर आधा दर्जन जोड़े अंदर से हड़बड़ाते हुए निकले। पुलिस की पूछताछ के दौरान जोड़े फरार हो गए। पुलिस रेस्टोरेंट मालिक से पूछताछ कर रही है। थाना चौक कोतवाली के अंटा चौराहे पर बने के रेस्टोरेंट का ये पूरा मामला है। हरदोई के शिवालय में नंदी की प्रतिमा ने दूध पिया है। दूध पीने की सूचना से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिव मंदिर में नंदी दूध पी रहे हैं और वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दूध पीते देख भक्तों ने भोलेनाथ के जयकारे लगाए हैं। पाली कस्बे के मोहल्ला काजीसराय में शिव मंदिर में नंदी ने दूध पिया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवराजा मंदिर पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, जो सायंकाल की आरती होती तो उसी टाइम हमें लोगों ने जो चरणामृत चलाया तो उसमें नंदी जी अपने आप पीने लगे, तो उसी प्रक्रिया को देखते हुए हमने लोगों ने दूध पिलाना शुरू किया। तो उस टाइम से अभी भी नंदी जी हमारे यहाँ दूध पी रहे हैं और आपने खुद देखा, आप वीडियो में भी देख रहे हैं।
लखीमपुर में शारदा नदी द्वारा किए जा रहे कटान के चलते आधा दर्जन गांव जो है इसकी चपेट में है। दरअसल फूलबिहड़ क्षेत्र के हिराना मिश्री गांव में शारदा नदी द्वारा किए जा रहे कटान से देखते ही देखते 4 सेकंड में जो घर है वो शारदा नदी में समा गया, जिसके पास में खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कटान बढ़ रहा है और ज़मीन कहीं ना कहीं कट रही है, जिसकी वजह से जो नदी के किनारे घर हैं वो नदी में समाते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई में विरोध के लिए ग्रामीणों ने गजब का तरीका निकाला है। तालाब में तब्दील आरसीसी सड़क में ग्रामीणों ने धान की पौध लगा दी। सड़क बनी तालाब में धान की पौध लगाकर नारेबाजी की है। कई शिकायतों के बावजूद भी सड़क नहीं बनी तो ग्रामीण नाराज हो गए। अहिरोरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुलराव के मजरा तिलकपुरवा का ये पूरा मामला है। प्रयागराज जिले के तरवई थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से जा रही ट्रक डेरा गदाई के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक बनारस से कानपुर की ओर जा रही थी। ट्रक एकाएक डेरा गदाई के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक में कुल 18 भैंसें लदी थी। पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा घायल भैंसों का इलाज जारी है। ट्रक में कुल 18 भैंसें थी, जिसमें 14 जीवित है जबकि 4 की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची तरवई पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक मौके से फिलहाल फरार है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ईद उल अजहा पर मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथ को जला दिया था। इसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देर शाम बाबा सैयद तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ जलाने पर स्वीडन सरकार की कड़ी निंदा की है, उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान छात्रों ने कहा कि जिस तरह से पुलिस की देखरेख में एक व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथ जलाया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो स्वीडन सरकार से इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग हम करते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले स्वीडन में जैसा रिपोर्ट में आया कि स्वीडन में कुछ लोगों ने कलाम पाक को बाकायदा पब्लिक प्लेस पर ले जाकर के उसको जलाया और उसकी बेहोशी की। तो ये खबर जब आई है तो उसको लेकर के यूनिवर्सिटी के लड़कों ने आज अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज किया है। के खिलाफ जिसने भी साजिश करने की कोशिश की वो गारत और बर्बाद हो गई। और हम बता देना चाहते हैं स्वीडन की सरकार को कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, तमाम दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ भी दुनिया के अंदर कोई भी कलमा पढ़ने वाला शख्स है वो कतई कुरान को जलने को बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वीडन सरकार को अब होश में आ जाने की जरूरत है। और हम बता देना चाहते हैं कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि जब तक हम खामोश हैं तब तक हम खामोश हैं। अगर हमें ज्यादा छेड़ा गया तो उसके नतीजे ज्यादा अच्छे होने वाले नहीं है। बिल्कुल सब ये बात जानते हैं। देश के वजीर आजम है, अभी मस्जिद के दौरे किए उन्होंने, तमाम मस्जिदों को दौरे किए हैं। तो मस्जिदों के दौरे करने के बाद मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि मस्जिद में जाने के बाद उन्हें सुकून जरूर मिला होगा। उस रात नींद बहुत सुकून की आई होगी। अगर उन्हें सुकून मिला, सहारनपुर मंडल कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर ने सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक कावड़ मार्ग का निरीक्षण करते हुए मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिवचौक पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कावड़ के लिए बनाए गए सब कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों से सहारनपुर मंडल कमिश्नर को कंट्रोल रूम की कार्यशैली से अवगत कराया, जिसकी सहारनपुर मंडल कमिश्नर ने काफी सराहना की है। सहारनपुर मंडल कमिश्नर ने कहा कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कावड़ को लेकर सभी तैयारियां बहुत अच्छी की हैं। जगह जगह कावड़ शिविर लगाए गए हैं और प्रकाशपद की व्यवस्था भी समुचित की गई है। उन्होंने शिव भक्त कावड़ियों से अपील करते हुए कहा कि प्रशासन का सहयोग करते हुए कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में मदद करें। देखिए आज तो मैं जितनी तैयारियां हैं कावड़ को लेकर उन सबका मैं जायजा अपने स्तर से भी ले रहा हूं। वैसे इससे पूर्व भी मंडल स्तर पर और बाद में राज्य स्तर पर भी मतलब इसकी समीक्षाएं की जा चुकी है। तो कावड़ के लिए जो तैयारियां की गई है वो अभी जो है धरातल पर अभी दिखाई दे रही हैं। तो मैं अभी सहारनपुर होते हुए अभी मुजफ्फरनगर की भी तैयारियां का जायज़ा ले रहा था और मैं देख रहा हूं कि यहां पे अच्छा मतलब जो है व्यवस्थापन जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। जगह जगह पर शिविरों के आयोजन, शिविरों में जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए उनकी उपलब्धता, ट्रैफिक का व्यवस्थापन और रास्ते में प्रकाश व्यवस्था, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था मैंने देखी है।
और जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छा मतलब जो है यहाँ पर इंतजाम और जितनी तैयारियाँ होनी है सारी की हुई है। रामनगरी अयोध्या पहुंची। गोरखपुर से चलकर लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 27 मिनट देरी से शाम 7:12 पर अयोध्या स्टेशन पर पहुंची। करीब 3 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन शाम 7:15 रवाना हुई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों का हजूम ट्रेन को करीब से देखने और उसके साथ सेल्फी लेने की जद्दोजहद करते हुए दिखे। ट्रेन में बैठे सभी यात्री अयोध्या रेलवे स्टेशन पर एक ऐतिहासिक क्षण को अपने मोबाइल में कैद करते हुए नजर आए। स्टेशन पर मौजूदा सांसद लल्लू सिंह, महंत कमल नयन दास, मंत राजू दास, साधु संत, भाजपा नेता और पदाधिकारी, स्थानीय लोगों ने ट्रेन का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया। तो देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद देता हूं और अपने यहाँ के सांसद महोदय को धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से मोदी जी का विजन और रीजन पूरे देश को एक सूत्र में बांधना, योगी जी का प्रयास किस प्रकार से उत्तर प्रदेश डेवलप हो, इसके तहत अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि जिसको जोड़ने के लिए मोदी जी और योगी जी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2024 जनवरी को भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में देश के सचिव प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और किस प्रकार से अयोध्या की कनेक्टिविटी जुड़ जाए। बलरामपुर में घर के टॉयलेट में रखा अज्ञात विस्फोटक फट गया। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर दुर्घटना हुई है। कई मकानों में दरारें आ गई। 20 मीटर दूर स्थित बरगद का पेड़ भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू धुनिया के घर में टॉयलेट में विस्फोटक रखा था। 9:00 की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस घटना को छिपाने में जुटी रही। पुलिस ने अभी तक अपना आधिकारिक पक्ष इस पूरे मामले में नहीं रखा है। पूरा मामला सीमावर्ती हरैया सतगरवा थाने के अंतर्गत आने वाले बाजार का है। क्या नाम है? रमन मिश्रा। ये क्या घटना हुआ था? अभी रात में हम लोग अपने घर लेटा रहे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो हुआ जब मिडिल स्कूल के पास में हम निकले, जूनियर हाई स्कूल है हमारे उठे, तो हुआ तक के बारूद के गंध गवा। और बाद में आए तो यहाँ देखे सभी पेड़ वेड़ के डोंग वोंग सब टूट के पड़ा रहे। बहुत बड़ा ब्लास्ट रहा, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के आवाज़ का है। सिपुरा तक आदमी आए हैं देखे। पीलीभीत में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले अंग्रेजों के द्वारा मजदूरों से लगान वसूला जाता था, वही रवैया आज की पीलीभीत पुलिस अपना रही है और मजदूर महिलाओं से लगान स्वरूप अवैध वसूली की जा रही है। दरअसल पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव चंदिया हजार निवासी मजदूर महिलाओं ने शनिवार सुबह पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में पहुंचकर चंदिया हजारा चौकी पर तैनात दारोगा पर मजदूर महिलाओं ने लगान के तहत 20 रुपये प्रति महिला मजदूर से वसूलने का आरोप लगाया। एक दिन पैसे देने में देरी हो गई। इस बात से नाराज दारोगा ने मजदूर महिलाओं के वाहन का चालान काट दिया। नाराज महिलाओं ने चौकी का घेराव कर दारोगा को खरी खोटी सुनाई। क्या नाम है आपका? आज क्या शिकायत लेकर यहाँ आए हो? आया हूँ लेकिन सर मैं कल काम पे जाया रहा था, काम से आया फिर 5 बजे तक, तो फिर रात में वहाँ जंगल पर रुकाया गाड़ी। रुकाने के बाद मेरे पास पैसा मांगा, पैसा नहीं है मेरे पास। रोज 20 रुपये से देता है सारे लोग, तो कल पैसा नहीं दिया, इसीलिए मैं पैसा नहीं दिया। रास्ता जंगल पर बहुत तंग कर दिया। किसने, किस चीज़ के पैसे मांगता है? सब लोग तो पैसा मांगता है। आगरा थाना सिकंदर क्षेत्र अशोपा अस्पताल गैलाना रोड की घटना बताई जा रही है, जहां पर अंडरग्राउंड टोरेंट पावर की लाइन से रोड पर करंट आ गया। घोड़ा बग्गी में करंट आने से 2 लोगों की ने कूद कर अपनी जान बचाई है। घोड़ा बग्गी में करंट आने से घोड़े की तड़प लपकर मौत हो गई। तुरंत कर्मचारी सूचना पर पहुंचे। पार्षद जी, क्या ऐसे घोड़ी खत्म हो गई, किस कारण खत्म हुई? घर से आ रहा था तो इसमें लट्ठे में जो बिजली थी, तो जब करंट आया एकदम उधर के लिए। किसकी लापरवाही से हुआ है? लापरवाही तो देख लिया, बार बार फोन करते हैं लोग आते नहीं। और अब खबर चमोली के विकासखंड देवाल की, जहां खेता मनमाती गांव के एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना थरारी पुलिस के अनुसार 7 जुलाई को ग्राम खेता मनमाती में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह रावत और वरिष्ठ उप निरीक्षक अन्य पुलिसकर्मी ग्राम खेता मनमाती पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा सड़क मार्ग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर चट्टान में करीब 300 मीटर खाई में एक व्यक्ति का शव दिखाया। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों की सहायता से चट्टान से मृतक का शव निकालकर पंचनामा भरा गया है। बताया गया है कि शव की शनाख्त खुशहाल राम पुत्र स्वर्गीय भगवान राम निवासी ग्राम खेता मनमाती उम्र करीब 40 वर्ष के रूप में हुई है।
व्यक्ति का शव जो है चट्टान में गिरा हुआ है। तो इस सूचना पे हम फोर्स के साथ वहाँ पहुँचे हैं। सड़क से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल में व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान खुशाल राम सनक भगवानी राम निवासी मानमती के रूप में हुई है। वो सड़क से करीबन 300 मीटर के नीचे खाई में गिरा हुआ था, डेड था शरीर। उसको निकाल कर पंचनामा पोस्टमार्टम किया गया, गांव वालों की सहायता से उसको सड़क पर लाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भ्रष्टाचार भेंट की है। मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच मुलाकात हुई है। सीएम की मुलाकात को बेहद अहम माना गया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर भी दिख रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार पिछले कई घंटों से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। लालकुआ विधानसभा के चुरगलिया शेनाले का जलस्तर काफी उफान पर आया, जहां एक कार शेनाले में पानी के बहाव में बह गई। गनीमत रही कि कार के अंदर सवार लोगों ने कूद कर अपनी जान बचा ली। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेसी रोड पर उतर आए। हरिद्वार के मायापुर चौक पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह होश में आओ ऐसे नारे भी लगाए। राहुल गांधी जिंदाबाद, भाजपा पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मायापुर कार्यालय से मायापुर चौक तक पैदल जाकर मायापुर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। अभी आपने देखा होगा एक बहुत पुराने मामले में ईर्ष्या के तहत और जी नफरत के तहत नरेंद्र मोदी जी ने जब देश सारे देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रही थी और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने साबित कर दिया नफरत की जगह नहीं है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के अंदर नफरत का जहर घोलने में लगे हुए हैं, उसको नकार के पूरे देश की जनता राहुल गांधी जी के प्रेम और मोहब्बत के संदेश के साथ खड़ी हो रही थी। उस समय बौखलाहट में इन्होंने अचानक एक पुराने मुद्दे को उखाड़ के संवैधानिक तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के सजा कराने का काम किया। पूरे देश में राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद जो राहुल गांधी ने देश की समस्याओं पर जो लोगों का ध्यान आकर्षण किया, चाहे युवाओं के बेरोजगारों की सवाल हो, चाहे देश की और दूसरी समस्याएं हों, उनको लेकर लगातार राहुल गांधी मुखर हैं। हरदोई जिले में सूबे के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ राहत परियोजना का निरीक्षण किया। गंगा तट पर बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ से होने वाले कटान को रोकने के लिए हो रहे कार्य पर संतोष जताया। साथ ही ग्रामीणों के ड्रेनेजिंग का कार्य कराए जाने को लेकर एक्सएन को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में बाढ़ राहत का काम बाढ़ आने पर बह जाता था, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है तब से बाढ़ राहत का कार्य अच्छी तरह से कराया जा रहा है। किसी को भी कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। निरीक्षण किया गया है, क्या अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? राज्य के अंदर जितने भी बाढ़ की परियोजना है, 17 के बाद आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद आज सभी परियोजनाएं के कारण जो पहले परियोजनाएं बनती थी, मान लो बाढ़ आते समय सब बह जाती, आज संपूर्ण राज्य की परियोजनाएं 5-6 सालों से जिस प्रकार काम हुआ है, आज परियोजना हमारी 70-100% राज्य की सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाती है। बाराबंकी जिले के कोतवाली जैदपुर में थाना दिवस के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह और एसडीएम की अध्यक्षता में क्षेत्र से आए करीब आधा दर्जन फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारी को उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में आई सभी समस्याओं की जनसुनवाई की गई है तथा शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। बदायूं में दबंग व्यक्ति ने स्कूल में घुसकर मारपीट की है। शराब पीकर आया दबंग अध्यापकों के साथ मारपीट करता रहा। स्कूली बच्चे भी दबंग की दहशत से परेशान हो गए। इससे पहले भी दबंग कई बार अध्यापकों के साथ अभद्रता कर चुका है। पहले दबंगों ने इस पर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अध्यापकों के साथ अभद्रता लगातार होती रही। इस पूरे मामले पर फिलहाल कहा जा रहा है कि जल्द ही एक्शन लिया जाएगा।
वहीं बिजनौर के चांदपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना प्रदर्शन जारी है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भाग के टिकैत से जुड़े किसान धरने पर बैठे रहे। तहसील परिसर में शुक्रवार सुबह से शनिवार सुबह तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसान भाग के टिकैत के जिलाध्यक्ष नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं, जिनके लेखपालों द्वारा खतौनी में अंश निर्धारण, सामान्य योजना के एस्टिमेट, किसानों से अवैध वसूली, गंगा नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड अविलंब बनने जैसे 8 मांगे हैं, जिनको लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। और अब खबर गाजीपुर से, जहां इन दिनों बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में बिजली विभाग की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन विभाग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है, जिसके चलते कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला सदर कोतवाली के MS इंटर कॉलेज के पास, जहां पर BTC की परीक्षा देने के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा पहुंचे थे। उनकी परीक्षा खत्म होने के समय अचानक से बिजली के एक पोल में करंट आ गया। संयोग अच्छा रहा कि उस करंट के जद में एक गाय आई, जिसकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। उसको देखते ही खलबली मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि उस वक्त कोई छात्र उस बिजली के खंभे की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िये कांवड़ लेने के लिए शिवधाम की ओर रवाना हो रहे हैं। बोलबम की गूंज सड़कों पर सुनाई दे रही है। 10 जुलाई सावन के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक होगा, लेकिन इससे पहले कांवड़ियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं। देखिए, अभी तो शराब की दुकानों की चेकिंग करा करके हम लोगों ने पहले तो चेकिंग कराई। चेकिंग कराने के पश्चात जितने भी शराब की दुकान है उसको हम लोगों ने ढकवा दिया है, जो कांवड़ रोड पे पड़ता है। और मीट की जितनी सारी शॉप थी, वो सारी शॉप्स को हम लोगों ने कांवड़ रोड के जितने भी शॉप्स हैं उसको बंद करा दिया है। वर्तमान में तो यही शराब और मीट को लेकर हम लोगों ने कार्रवाई करी है। एटोबे नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन अस्पताल संचालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। श्रीओम अस्पताल में प्रसूता का ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल संचालक परिजनों को गुमराह करता रहा। प्रसूता की मौत हो जाने के बावजूद उसे आगरा रेफर कर दिया गया। आगरा पहुंचने पर वहां चिकित्सकों ने नब्ज देखते ही प्रसूता के परिजनों को बताया कि मरीज की मौत कई घंटे पहले हो चुकी है। मामले में गलत इलाज से मरीज की मौत पर मृतक के परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला जेएलएन डिग्री कॉलेज के पास श्रीओम अस्पताल से जुड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है राधा कृष्ण। कहाँ रहते हैं आप? गांव नगला सामंती में। नगला सामंती जी। कौन है आपकी? ये मेरे ताऊ के लड़का की बहू है। तो कैसे मौत हुई इनकी? इनकी मौत ऐसे हुई, हम लेके आए वो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गोपाल श्री गोपाल हॉस्पिटल में सुबह रोड पे वहाँ पे एक हमें बंदा मिला, कंप्यूटर था या उन्हीं का कोई लड़का था, वो लेके गया तो हमें उदयपुर पे डॉक्टर साहब मिले। तो डॉक्टर प्रदीप कुमार, तो उन्होंने कही हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, तो वहाँ पे आपकी दवा चलाएंगे। वहाँ पे उन्होंने 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक दवाई चलाई। उसके बाद में कहा कि अब इनका ऑपरेशन होगा। तो एटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजन अस्पताल संचालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। श्रीओम अस्पताल में प्रसूता का ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल संचालक परिजनों को लगातार गुमराह करता रहा। प्रसूता की मौत हो जाने के बावजूद उसे आगरा के लिए रेफर किया गया था।
आगरा पहुंचने पर वहां डॉक्टर्स ने नब्ज देखते ही प्रसूता के परिजनों को बताया कि मरीज की मौत कई घंटे पहले हो चुकी है। मामले में गलत इलाज से मरीज की मौत पर मृतक के परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचे, इस पूरे मामले में परिजनों को समझाया बुझाया है। ये पूरा मामला JLN डिग्री कॉलेज के पास श्री ओम अस्पताल से जुड़ा हुआ है। हापुड़ के एक प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार पर घेवर में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। इसकी सूचना ग्राहक ने खाद्य सुरक्षा विभाग को दी है। सूचना मिलने पर अफसर मौके पर पहुंचे, इसके बाद उन्होंने घेवर की सैंपलिंग की है। दरअसल सावन का महीना चल रहा है और सभी लोग मिठाई के तौर पर घेवर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। शुक्रवार को ज्वारगंज निवासी मनीष नगर के एक प्रतिष्ठित दुकान बंसल बीकानेर से घेवर खरीदा। आरोप है कि घेवर में एक कॉकरोच निकला, इसको देखकर मनीष गर्ग बंसल बीकानेर स्वीट्स की दुकान पर पहुंचे और इसकी शिकायत की है। तो हापुड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बंसल बीकानेर से एक ग्राहक ने कुछ मिठाइयां खरीदी थी और बताया जा रहा है कि मिठाइयों के तौर पर घेवर खरीदा गया था और घेवर में कॉकरोच निकल गया, जिसकी शिकायत लेकर ग्राहक जो है यहां पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई है। काफ़ी हंगामा भी देखने के लिए मिला। भी किसी कस्टमर द्वारा शिकायत की गई थी कि वो यहाँ से इन्होंने घेवर खरीदा था, तो घेवर में काकरोच का मिलना उन्होंने बताया है, तो घर से फोटो खींच करके लाए थे जो कि दुकानदार को दिखाया गया और हमें सूचना मिली, उसके उपरांत हम यहाँ पे चेकिंग के लिए आए। आपका भैया? मेरा नाम मनीष गर्ग। क्या हुआ आपके साथ? और मैंने कल इनसे डब्बा खरीदा था घेवर का, शाम किससे खरीदा था? बंसल बीकानेर से। अच्छा, फिर क्या हुआ? और इसमें तला हुआ कॉकरोच निकला है, जिसकी वीडियो मेरे पास है, और अब मैं यहाँ बोलने आया हूँ तो बदतमीजी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।